हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहली सर्दी बच्चों के लिए थोड़ी टफ होती है क्योंकि कई रीज़न की वजह से बच्चा रात को बार बार जगता है और पेरेंट्स को भी थोड़ी नॉलेज कम होती है कि कैसे बच्चों का सर्दी में ध्यान रखें, उन्हें कैसे कपड़े पहनाएं, मालिश कैसे करनी चाहिए। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ठंड के मौसम में आपको बच्चे की मालिश कैसे करनी चाहिए। ठंड के मौसम में भी आपको बच्चे की रेगुलर मालिश करनी चाहिए क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे को ठंड लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठंड के मौसम में आपको ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन से बच्चे की मालिश करनी चाहिए। ऑयल थोड़ा गुनगुना हो जिससे बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। ठंड के मौसम में आप स्पेशल तेल भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी लहसुन की कली डाल दीजिए, उसे अच्छे से खोलने दीजिए और फिर उसे छानकर एक कंटेनर में रख लीजिए। इस ऑयल से भी आप बच्चे की मालिश करिए वीक में एक बार, तो आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम खांसी बच्चे को कभी नहीं होगा। मालिश करने के लगभग आधे घंटे के बाद आप बच्चे को नहला दीजिए। और कभी कभी ठंड में आप बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो उस केस में गर्म पानी से आप बच्चे को स्पंज कर दीजिए। ठंड के मौसम में बच्चे की मालिश कभी भी ओपन एरिया में आपको नहीं करनी है, हमेशा बंद रूम में ही करनी है। और बच्चे को भी कभी बाहर मत नहलाइए, हमेशा बाथरूम में डोर क्लोज करके ही बच्चे को नहलाना है। बच्चे को नहलाने के लिए हल्का गुनगुना पानी ही आपको लेना है, बहुत तेज़ गर्म पानी आपको नहीं यूज़ करना। अगर आप ओपन एरिया में बच्चे की मालिश करती हैं, भले ही आप धूप में बिठा के बच्चे की मालिश कर रही हैं, तो भी बच्चे को हवा लगने के चांसेस होते हैं और जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी यहाँ तक कि निमोनिया होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा बंद रूम में ही बच्चे की मालिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चे के कपड़े के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से बच्चे को कपड़े पहनाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा ठंड के मौसम में भी रात को आराम से सोएगा और उसे ठंड लगने के चांसेस भी कम होंगे। ठंड के मौसम में बच्चे को ज़्यादा मोटे कपड़े पहनाने से अच्छा होता है कि हम उसे लेयर में कपड़े पहनाएं। आप 3 से 4 लेयर बच्चे को पहना सकते हैं। पहली लेयर आप बच्चे को कॉटन के कपड़े की ही पहनाइए। कॉटन की टी शर्ट पहना सकते हैं, कॉटन की बनियान पहना सकते हैं, उसके ऊपर इनर पहनाइए, फिर एक हल्की लेयर और उसके ऊपर एक भारी स्वेटर आप पहना सकते हैं, जो सफिशिएंट होता है और बच्चे के लिए बहुत ही सही रहता है। अगर आप ज़्यादा लेयर पहना के बच्चे को सुनाएंगे तो बच्चा रात को बार बार उठेगा और ज़्यादा कपड़े पहनाने की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है ठंड के मौसम में भी। इसलिए आप बच्चे को जितनी अपने ऊपर लेयर पहन रहे हैं उससे एक ज़्यादा लेयर पहनाइए, बस इतना बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप बच्चे को हल्दी वाला दूध दीजिए, और अगर 8 मंथ से बड़ा है तो आप उसे ड्राई फ्रूट्स पाउडर दीजिए, जायफल खिलाइए, खजूर और चीकू खिलाइए। इन सब की तासीर गर्म होती है जिससे बच्चे को ठंड में बहुत आराम मिलता है। और अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उस केस में जायफल का पेस्ट बच्चे के माथे पे लगाइए, इससे भी बच्चे को सर्दी में बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राई स्किन अगर सर्दी में बच्चे की अक्सर हो जाती है तो उस केस में आप बच्चे को डेली मॉइस्चराइजर लगाइए, जिससे आप देखेंगे कि बच्चे की स्किन बहुत हेल्दी रहती है, या फिर बच्चे को नहलाने से पहले थोड़ी सी मलाई भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।